अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान के फॉल एडमिशन 2023 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान के बारे में बताते चले तो ये एक गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसने अपने BS डिग्रीज प्रोग्राम, उसके बाद MS MPhil डिग्रीज प्रोग्राम और उसके बाद डिफरेंट डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर जो अपने एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें अप्लाई करने की कोई डेडलाइन नहीं दी, कोई लास्ट डेट फिलहाल यूनिवर्सिटी ने शो नहीं की। अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मीन्स किसी वजह से किसी की कंपार्ट थी या नंबर थोड़े थे, ठीक है, वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो अब रिजल्ट आ जाना है क्योंकि सितंबर के लास्ट सेकंड वीक के अंदर जो उनसा है वो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ रहा है। तो आप उस यहाँ पर जब रिजल्ट आ जाएगा, जब आपका पार्ट टू का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप इंटरमीडिएट के जो डिग्रीज प्रोग्राम है या डिप्लोमा प्रोग्राम आ जाते हैं उसमें आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद MS MPhil डिग्रीज प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो आपकी 16 ईयर एजुकेशन है वो डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका अप्लाई करने का लिंक अलहदा से मिल जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स, मेरिट वगैरह जानने के लिए जो लिंक है वो अलहदा से मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में जो ऑफर्स होने वाले डिग्रीज प्रोग्राम में, अगर उनके बारे में डी एस हम बात करें, जिसमें सबसे पहले जो BS डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं 4 ईयर, जिसमें आप इंटरमीडिएट के बाद जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले है BS एग्रीकल्चर, BS एग्रीकल्चर है, और उसके बाद BS बायोकेमिस्ट्री, BS फॉरेस्ट्री, BS जोलॉजी, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS मेडिकल लेबॉरटरी टेक्नोलॉजी, BS रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, BS डेंटल टेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS फॉरेंसिक साइंस, BS कंप्यूटर साइंस, BS मैथमेटिक्स BBA, और उसके बाद BS केमिस्ट्री, BS इंग्लिश, BS बॉटनी। ये तमाम 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम है जिसमें आप इंटरमीडिएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनके पोस्ट ग्रेजुएट मीन्स MS MPhil डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें, जिसमें MPhil जूलॉजी मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर हो रही है, उसके बाद MPhil फॉरेस्ट्री, MSc ऑनर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आ जाता है, और उसके बाद MSc ऑनर हॉर्टिकल्चर है, MSc ऑनर्स एग्रोनॉमी, इसमें आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद स्टूडेंट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसके डिप्लोमा प्रोग्राम आ जाते हैं उनमें डी सबसे पहले एग्रीकल्चर साइंस DAS, ठीक है ना, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर साइंस 3 साल का है, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ये 2 ईयर्स डिप्लोमा है, और उसके बाद पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स डिप्लोमा है, और उसके बाद फार्मेसी टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स है, और उसके बाद फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स है, पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स है, और उसके बाद रेडियोग्राफी एंड मेडिकल इमेजिंग 2 ईयर्स है, और उसके बाद वेटरनरी एंड एनिमल साइंस 3 साल का डिप्लोमा है, और उसके बाद फॉरेंसिक साइंस 1 सेमेस्टर है और 1 ईयर का है, और उसके बाद लाइव स्टॉक असिस्टेंट LAD लाइव स्टॉक एंड असिस्टेंट 2 ईयर्स आ जाता है, और उसके बाद फिश फार्मिंग 1 ईयर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग 3 मंथ का है, वेब डिवेलपमेंट 3 मंथ का डिप्लोमा है, डिजिटल लिटरेसी 3 मंथ का डिप्लोमा है। और उसके बाद इनके अंदर जो डिप्लोमा ऑफर हो रहा है वो डी एस स्टूडेंट्स डेयरी हेड मैनेजमेंट आ जाता है, ये 1 सेमेस्टर जोन सा है इसका है, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन 1 सेमेस्टर जोन सा, ये 1 साल लग जाता है, इस पर 6 माह का होता है तकरीबन, लेकिन 1 साल लग ही जाता है इसमें। और उसके बाद इंग्लिश स्पोकन एंड टेक्निकल राइटिंग 1 सेमेस्टर है, 6 माह का है, चाइनीज़ लैंग्वेज 1 सेमेस्टर है, उसके बाद विलेज वेटरनरी वर्कर 1 सेमेस्टर जोन सा, ये 6 माह का है। अब इनमें जितने आपको डिप्लोमास बताए हैं बस इसमें अप्रोक्सीमेटली वो जिनमें आप मैट्रिक साइंस के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ आ जाते हैं जिनमें आप FSC प्री मेडिकल या FSC प्री इंजीनियरिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान में ऑफर्स होने वाले जो BS डिग्रीज प्रोग्राम, MSc MPhil डिग्रीज प्रोग्राम, और उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह थे उन्हीं के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर अमानिल्लाह।